हाय स्टूडेंट्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड टेकिंग केयर। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग वायर, चैप्टर 4, 12th क्लास। इन द लास्ट क्लास वी डन अबाउट साइक्लोट्रॉन, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट इज दिस वन, लेट देयर इज अ करेंट कैरिंग वायर। देयर इज अ करेंट कैरिंग वायर लाइक दिस। सिलेंड्रिकल वायर है, मैं उसको इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। लेट देयर इज अ करेंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ एल। एरिया ऑफ क्रॉससेक्शन, लेट एरिया ऑफ क्रॉससेक्शन इज ए, कनेक्टेड टू अ बैटरी सो दैट इट कैरीज अ करेंट आई। इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, लेट आई। पूरी वायर में से करंट फ्लोइंग इज लेट आई। होप यू गॉट इट। नाउ दिस वायर, दिस स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वायर। दिस वायर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सो दैट एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, एंगल बिटवीन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज लेट थीटा। जब ने वायर को फील्ड में रखा तो एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द होल वायर। मैग्नेटिक फोर्स Fm ऑन द होल वायर इज व्हाट? ऑन द होल वायर किसकी वजह से फोर्स लग रहा है? करंट की वजह से। करंट किसकी वजह से सेटअप हो रहा है? ध्यान दें, करंट इज सेटअप ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। करंट इज सेटअप ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चैप्टर 3 में पढ़ा था हमने। सो जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे वायर में फोर्स लगेगा, उतना ही फोर्स पूरी वायर पे लगेगा। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द होल वायर ड्यू टू करंट इज इक्वल टू व्हाट? मैग्नेटिक फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर। वायर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स? दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन वन फ्री इलेक्ट्रॉन। ध्यान देंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वन फ्री इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर। होप यू गॉट इट। इफ एनी स्टूडेंट हैज एनी डाउट प्लीज आस्क। मैग्नेटिक फोर्स ऑन वन फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज द टोटल मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। एक पे फोर्स कितना लगेगा वो इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑन वन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल का फॉर्मूला इज क्यू वी बी साइन थीटा इंटू टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेट्स टेक एन। वट इज चार्ज ऑन वन फ्री इलेक्ट्रॉन? दैट इज माइनस ई। वेलोसिटी दैट सेटअप करेंट इज वी डी। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया। वट इज वी? वेलोसिटी जिसकी वजह से वायर में करेंट सेटअप होता है, दैट इज नेम्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वायर में कैसे निकालें, इसके लिए हमें थोड़ा सा चैप्टर 3 में जानना पड़ेगा। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था स्मॉल एन इज एन बाय ए एल। व्हाट इट इज स्मॉल एन? क्या था? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वायर बाय वॉल्यूम ऑफ द वायर। फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एन। सो यहाँ से कैपिटल एन आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन इंटू ए एल। मैंने चैप्टर 3 में भी बताया था स्मॉल एन इज मोर इम्पोर्टेंट देन कैपिटल एन। स्मॉल एन इज फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो कैपिटल एन बिकम्स इक्वल टू स्मॉल एन ए एल। लेट मी रीअरेंज, माइनस स्मॉल एन ए ई वी डी इंटू एल बी साइन थीटा। होप यू कैन इमेजिन क्यों मैंने ऐसे लिखा, माइनस एन ए ई वी डी इंटू एल बी साइन थीटा। वट इज माइनस एन ए वी डी? बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने रिप्लाई कर दिया है। माइनस एन ए वी डी क्या था?
चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था, दैट इज करंट. करंट इनटू लेंथ इनटू बी इनटू साइन थीटा. सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द होल वायर का एक छोटा सा एक्सप्रेशन हमारे सामने आ गया. मैं क्लियर कर दूं, मेंशन कर दूं, दिस वाज आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड. सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आ चुका बोर्ड एग्जाम में, एंड कैन बी आस्क्ड फर्दर. आगे भी पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. क्या किया? मैग्नेटिक फोर्स ऑन वन फ्री इलेक्ट्रॉन इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फोर्स ऑन वन फ्री इलेक्ट्रॉन इंटू दिस वैल्यू पुट की सबकी, आंसर आ गया आई एल बी साइन थीटा. टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वी विल राइट इट इन वैक्टर फॉर्म. इसको कहाँ लिखेंगे? वैक्टर फॉर्म में. वैक्टर फॉर्म में क्या आएगा? दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया. कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया, साइन थीटा जहाँ आ गया वहाँ पे वेक्टर फॉर्म में हमेशा क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट. सो इट इज आई एल सिंगल टर्म है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बी. ध्यान देंगे आई एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर. इसमें प्लीज ध्यान दें, करंट और लेंथ अलग अलग नहीं है. आई एल करंट इंटू लेंथ इज ए सिंगल टर्म विच इज नेम्ड करंट एलिमेंट. ये मैंने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में पहली क्लास में बायोट सावर्ट लॉ में भी इंट्रोड्यूस किया था. करंट इंटू लेंथ इज करंट एलिमेंट. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट? सेम एज दैट ऑफ करंट. जो करंट की डायरेक्शन वही आई एल की डायरेक्शन. नाउ इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? यू अंडरस्टैंड, क्रॉस जहां आ गया, साइन थीटा जहां आ गया, ऑलवेज बाय राइट हैंड थंब रूल. और भी मेथड है, लेफ्ट हैंड रूल भी है, बट मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि लेफ्ट हैंड रूल के बिना काम चल जाएगा, राइट हैंड थंब रूल के बिना काम नहीं चलेगा. यहाँ अवॉइड करोगे इसको तो और कहीं जगह हमें यूज़ तो कहीं ना कहीं बहुत जगह करना ही पड़ेगा. सो इट इज़ बेटर कि हम राइट हैंड थंब रूल को अच्छे से प्रैक्टिस करें, समझ लें. व्हाट इज़ राइट हैंड थंब रूल? ऑलवेज रोटेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वैक्टर टू सेकेंड वैक्टर, देन थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. लाइक इसमें फर्स्ट वैक्टर इज करेंट, सेकेंड वेक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड. सो राइट हैंड के फिंगर्स को करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ऐसे घुमा दो, थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. लाइक करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, राइट हैंड फिंगर्स को ऐसे घुमा दो, ऐसे ही ना यार दिख रहा है डायग्राम में, ऐसे घुमा दो, देन थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा. इन दिस एग्जाम्पल, इन दिस केस मैग्नेटिक फोर्स, फॉर दिस केस मैग्नेटिक फोर्स किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है. मीन्स what will we write? outward. outward means plus k cap, या फिर circle में छोटा सा dot बना देंगे. circle में dot का मतलब है बाहर की तरफ magnetic field है, outward है. hope you got it. इस पे based एक numerical भी मैं discuss करना चाहूँगा. बड़ा simple सा question यहाँ से अक्सर आ जाता है. एक question देखें जरा, हमारे study material में से है, मॉड्यूल में अवेलेबल है, मैं डिस्कस करना चाहूँगा. क्वेश्चन इज अ हॉरिजॉन्टल वायर लाइक दिस. अ हॉरिजॉन्टल वायर ऑफ लेंथ 0.2 meter कैरिंग अ करंट ऑफ 4 ampere एज शोन इन द फिगर. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, किस डायरेक्शन में यहाँ पे प्रोड्यूस करें, सो दैट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर. इस वायर के वेट को सपोर्ट कर ले. इट्स मास इज गिवन, ध्यान देंगे, इट्स मास इज गिवन. कितना मास ऑफ वायर इज गिवन? इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ kg पर मीटर गिवन है. प्लीज अंडरस्टैंड, मास लिखा था यहाँ पे तो, बट वहां लिख दे केजी पर मीटर. सो यहां से समझ में आया, इट इज नॉट मास, इट इज मास ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ, यानी मास अपॉन लेंथ गिवन है ये. दैट इज, क्योंकि यहां से हमें पता चला. इसलिए हमेशा ध्यान से यूनिट भी ध्यान से हमें पढ़नी चाहिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए हमें. क्वेश्चन है कितना फील्ड किस डायरेक्शन में यहाँ पे प्रोड्यूस करें, सो दैट द मैग्नेटिक फोर्स सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर. सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर मीन्स, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, ये वायर है, जैसे इस वायर को छोड़ेंगे, व्हाट हैपन्स, द वायर विल फॉल डाउन.
जैसे छोड़ा हमने नीचे गिर गई, वाई इट फॉल डाउन ड्यू टू इट्स वेट, यानी ये वायर अपने वेट की वजह से नीचे फॉल करेगी। होप यू अंडरस्टैंड। अब हमें बताना है कि इस रीजन में जहाँ वायर है यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दें कि नीचे ना गिरे। नीचे ना गिरे मीन्स इतना ही फोर्स इस पे ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग जाए, मैग्नेटिक फोर्स लग जाए। मीन्स क्या एक्सप्लेनेशन होगा? टू सपोर्ट द वायर। टू सपोर्ट का मतलब है नीचे ना गिरे, यहीं पे एयर में ही रेस्ट में आ जाए। टू सपोर्ट द वायर यानी जिससे वायर है ये नीचे ना गिरे, इसका वेट एम जी नीचे खींच रहा है, इतना ही फोर्स इस पे ऊपर लगा देंगे तो ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी, यहाँ पे रुक जाएगी। सो टू सपोर्ट द वायर का मतलब है मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द वायर। वायर का वेट यानी एम जी। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। हमें बी निकालना है तो बी कितना होगा? एम जी डिवाइडेड बाय आई एल साइन थीटा। कितना लेंगे? जनरली हमें मैक्सिमम फोर्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो थीटा को हम 90 डिग्री रखेंगे, बिकॉज व्हेन थीटा इज 90 साइन 91 मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम, और वही ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स हमें चाहिए जो, सो थीटा वी विल टेक 90 डिग्री। गॉट इट? साइन 91, सो बी बिकम्स एम जी बाय आई एल। क्वेश्चन में मास इज नॉट गिवन, मास पर यूनिट लेंथ इज गिवन, ध्यान देंगे। सो व्हाट विल वी राइट? एम बाय एल इंटू जी बाय आई। ये पॉइंट छोटे छोटे हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। मास अपॉन लेंथ सिंगल टर्म गिवन है 3 × 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाई करेंट इज 4 एम्पियर। लेंथ भी गिवन थी, कोई यूज ही नहीं हुआ, उसके बिना ही आंसर आ गया। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा 7.35 × 10⁻³ टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन क्या रखें? वही अगेन, अब ध्यान देंगे, हमें फोर्स की डायरेक्शन पता है ऊपर चाहिए, इधर चाहिए, करंट की डायरेक्शन पता है इधर चाहिए, गिवन है इधर, तो फील्ड किस डायरेक्शन में रखें? यानी करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखना है, फोर्स इधर चाहिए, तो फिंगर्स को किधर घुमाएंगे? ऑब्वियसली ऐसे, तभी तो फोर्स इधर लगेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए? क्रॉस। क्रॉस का मतलब है, क्रॉस का मतलब है इनवर्ड्स। किधर होगा? अंदर की तरफ, माइनस के कैप भी कह सकते हैं। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग वायर डायग्राम। देन कितना फोर्स होगा, हमने उसका छोटा सा एक्सप्रेशन किया, उसके डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाया, वेक्टर फॉर्म और एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया। ये डेरिवेशन डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर।